तो दोस्तों लस्सी बनके एकदम तैयार है, ये देखिए दोस्तों घर पे भी आप इंजॉय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो हम आ गए हैं एक नई रेसिपी लेके, बहुत ही बेहतरीन। गर्मियों का मौसम चल रहा है, सबको लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। जी हाँ, घर पर ही बाजार जैसी, हलवाई जैसी, बिल्कुल घर पर लस्सी बनाकर आप आसानी से बनाकर पी सकते हैं, वो भी बाजार जैसी लस्सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो लस्सी आप पीते हैं, आप किसी भी जाते हैं तो लस्सी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए वही चीज़ आपको बहुत कम पैसे में आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर आप आसानी से लस्सी बनाकर पी सकते हैं बहुत ही मामूली समय में। जी हाँ, 2 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे और आपका लस्सी का गिलास आपके सामने होगा, आप खुद बनाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लस्सी बनाने की विधि और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप अच्छी लस्सी कैसे बनाएं। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल राहुल कपिल की रसोई अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लस्सी को, लेकिन आज आप घर में ही बनाकर पी सकते हैं लस्सी को बहुत ही आसान तरीके से। हम आपको बताने जा रहे हैं घर में बाज़ार में मिलने वाली लस्सी आप घर में आसानी से बनाएं। ये देखिए हमने दही ले ली है, ये देखिए ये घर में ही हमने दही जमाई थी। इसकी अगर रेसिपी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप देख सकते हैं। ये दही है, दही को हमने ले लिया है बाउल में, ये देखिए ये एकदम ताज़ा दही है, हमने घर पे ही जमाई है। तो आप घर पे जमी हुई जो दही है घर पे जमाएं और उसकी लस्सी बनाकर आप पिएं तो आपकी जो लस्सी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और बहुत ज़्यादा बेस्ट बनने वाली है लस्सी। ये देखिए ये हमने लस्सी ले ली है, ये तकरीबन 1 कटोरी लस्सी है, इसमें 2 गिलास आराम से लस्सी बन जाएगी, वो भी मलाई वाली और गाढ़ी गाढ़ी। जो हमने दही के ऊपर जो मलाई थी वो हमने उतार के साइड में रख ली है, हम इसका उपयोग बाद में करेंगे तो आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर ही हमने देखिए चीनी ले ली है, आप जितना चीनी चाहे उतना डालिए। इसमें हम जो है आता है बूरा चीनी का, वो हम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है बूरे वाली जो होती है लस्सी, ये चीनी का ही उपयोग करें। चीनी का उपयोग क्यों करें वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर 2-3 चम्मच चीनी ली है क्योंकि मीठा कमी अच्छा होता है खाने के लिए। अभी हमने यहाँ पर ली है राई, घर में सबके पास में ये जो है ना राई मिल जाती है जिससे मट्ठा वगैरह बिलोते हैं, अभी हम डायरेक्ट इसको बिलोएंगे। ये देखिए अच्छे से फैट लेंगे, ये देखिए हल्का हल्का फैट है चीनी के साथ में, तो जो दही है बहुत अच्छा क्रीमी टाइप की बन जाती है। अगर आप बूरे के साथ में फैटते हैं तो वो जो है लस्सी वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। ये देखिए आप इसको अच्छे से फैटें, ये देखिए और अच्छे से फैट जाएगी दही, ये देखिए और चीनी भी घुल जाएगी और ये अच्छे से भी फैट जाएगी। ये देखिए अभी से क्रीमी क्रीमी हो गया है ना, बिल्कुल दही बिल्कुल क्रीमी क्रीमी हो जाएगी। ये देखिए तो इसको फैट लेते हैं और मैं आपको बाद में अपडेट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल क्रीमी जो दही है बिल्कुल बनके तैयार है। अभी हमें लस्सी बनानी है तो इसमें हम ऐड करेंगे आइस क्यूब। जी हाँ, आइस क्यूब आप ऐड करिए इसमें, जो कि आपकी लस्सी है बहुत ज़्यादा ठंडी टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लस्सी बहुत ज़रूरी हो जाती है पीना। तो हम यहाँ पर आइस क्यूब ऐड कर रहे हैं इसमें, ये देखिए हमने 2-3 आइस क्यूब लिए हैं, इसको ऐड किया है, मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इसमें अभी पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ये देखिए मिक्स कर लेंगे। जब तक हम दोस्तों मिक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है राहुल कपिल की रसोई, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही रेसिपी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारी लस्सी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी थोड़ी ही देर में, 2 मिनट का काम है। लस्सी बनाकर आप घर पर ही पिए, बाजार जैसी, हलवाई जैसी बिल्कुल लस्सी, होटलों जैसी, बड़े बड़े होटल में जाते हैं लस्सी पीते हैं, तो अमेजिंग 2 मिनट में आप लस्सी बनाकर पीजिए घर पर भी। और आपको पता है घर की लस्सी बिल्कुल एकदम शुद्ध लस्सी, घर पे अपने हाथों से दही जमाएं और लस्सी का एंजॉय कीजिए। इसको मिक्स कर लेते हैं, फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, ये देखिए झाग भी आने लग गए हैं, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी लस्सी, ये देखिए क्या बात है दोस्तों, लस्सी बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो इसको फेंट लेते हैं, जो ये आइस क्यूब है बिल्कुल पिघल जानी चाहिए तभी आपको जो है लस्सी का पूरा मज़ा आएगा। ये देखिए फेंट लेते हैं, बाद में देते हैं अपडेट। दोस्तों लस्सी बनकर एकदम तैयार है, ये देखिए लस्सी क्रीमी लस्सी एकदम बनकर तैयार, ये हम रख लेते हैं साइड में। ये देखिए अभी हमने लिया है एक जार, ये देखिए लस्सी बनाने के लिए इसको इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों
ये देखिए दोस्तों, ऊपर से हम यहाँ पर लेते हैं चम्मच, जो हमने मलाई निकाली थी वो हम सीधा डाल देंगे ऊपर। ये देखिए बिल्कुल ही बेहतरीन बनने वाली है लस्सी हमारी। ये डाल दिया हमने ऊपर, और साथ ही में हम यहाँ पर डाल रहे हैं हल्का सा रू अफजा, जो कि खाने को ना और यानी कि जो कि लस्सी को और ज़्यादा स्वाद दे देगा। ये देखिए इसको हल्का सा ऊपर से डालें। ये देखिए दोस्तों, और लस्सी आपकी बिल्कुल बनकर तैयार है, बिल्कुल प्योर लस्सी बनाकर 2 मिनट में आप आसानी से पी सकते हैं लस्सी को। तो दोस्तों लस्सी बनके एकदम तैयार है। ये देखिए दोस्तों, घर पे भी आप इंजॉय कीजिए लस्सी का। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप बनाइए घर पर लस्सी और पीजिए, इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, कल मिलते हैं।